कि इस वीडियो में जो कि यूपीपीसीएल की तरफ से एक बहुत ही बड़ा लेटेस्ट अपडेट है, ये अपडेट है आपका फ्रेंड्स जो कि हमारे अवधेश कुमार वर्मा सर की तरफ से। अवधेश कुमार वर्मा सर ने जो कि यूपीपीसीएल के चेयरमैन से मिल करके उनको जो कि विभिन्न विभिन्न भर्तियों को जल्द से जल्द रिलीज कराने के संबंध में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंतर्गत हमारे यूपीपीसीएल के चेयरमैन सर ने जो कि आश्वासन भी दिया है कि भर्तियाँ बहुत ही जल्द जो कि रिलीज की जा सकती हैं जिन जिन डिपार्टमेंट में अभी यूपीपीसीएल के वैकेंसी नहीं आई हुई है। तो फ्रेंड इसमें जो कि यूपीसीएल T2 की जो बहुत ही लंबे टाइम से मांग हो रही थी कि 2200 से लेकर 2400 पोस्ट का जो वैकेंसी है उसे बहुत ही जल्द जो कि भरे जाने की जो मांग है उसको भी इन्होंने एक्सेप्ट किया है। और फाइनली जो कि ये इन्होंने ये नहीं बताया कितनी सीटें आएगी, लेकिन इन्होंने आश्वासन जरूर दिया है कि सभी भर्तियाँ जल्द से जल्द जो कि रिलीज की जाएंगी। चलिए आपको इन सब टॉपिक को जो कि डिटेल में बताते हैं कि क्या है पूरा मैटर। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि चैनल पर इसी तरह के टेक्निकल जॉब अपडेट को सबसे पहले लाते रहते हैं। चलिए फ्रेंड, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट गेट स्टार्ट द वीडियो। देख सकते हैं कि ये जो पेपर का कटिंग है ये कल मंगलवार यानी 8 मार्च के पेपर का कटिंग है। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पेपर का हेडलाइन ये है कि ऊर्जा क्षेत्र को बनाए आत्मनिर्भर, निगम में भरे जाएंगे खाली पद। तो चलिए इसको जो कि हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो कि पढ़ करके सुना देते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो कि चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा जा रहा है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपता प्रतिनिधि मंडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मेन अमर उजाला पेपर का ये कटिंग है, इसमें मेन हेडलाइन आप देख सकते हैं कि पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने ज्ञापन सौंपा, चेयरमैन ने दिया कार्रवाई का आश्वासन। तो यहाँ पे लखनऊ से ये प्रकाशित हुआ है पेपर का कटिंग। तो इसमें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले है कि उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा सर ने के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एम देवराज से मुलाकात कर 5 सूत्री ज्ञापन सौंपा। इसमें ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सार्थक कदम उठाने और ऊर्जा निगमों में रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की मांग शामिल है। एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष ने कहा कि वर्तमान में जहां गैर सरकारी राजस्व 55,000 करोड़ रुपये साल में आना चाहिए, वहीं मात्र 45,000 करोड़ ही आ रहा है, लिहाजा इसे बढ़ाकर 55,000 करोड़ तक ले जाने की जरूरत है। इसके अतिरिक्त ज्ञापन में शासन के स्तर से RGGVI योजना की सामूहिक जाँच प्रकरण के लंबित होने से 1992 व 1995 बैच के अधिशासी अभियंताओं को अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रोन्नति नहीं मिलने का मुद्दा भी उठाया गया। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो है कि अवधेश कुमार वर्मा सर ने यूपीसीएल के चेयरमैन को ज्ञापन सौंपा भर्तियों से रिलेटेड। उसमें 5 मांगों को रखा, जिसमें एक मांग ये भी रखा गया था कि जितनी भी भर्तियां पेंडिंग है और जितनी भी वैकेंसी नहीं आई है उन वैकेंसियों को जो कि तत्काल रिलीज़ किया जाए, और क्योंकि जिससे कि ऊर्जा क्षेत्र आत्मनिर्भर बन सकता है, पावर सेक्टर हमारा आत्मनिर्भर बनाने के लिए वैकेंसी को रिक्त पदों को भरे जाना बहुत ही ज़रूरी है, जैसा कि आप यहाँ पर पेपर के कटिंग में जो कि गाइज यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि यहाँ पर है आपका कि सार्थक कदम उठाने और ऊर्जा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भर्ती प्रक्रिया की शुरू करने की मांग शामिल है। तो उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि सभी भर्तियां जो कि आपका बहुत ही जल्द से जल्द जो कि रिलीज होंगी। तो फ्रेंड्स यही बताना था आपको, आई होप कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। अगर गाइज आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पहली बार वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमने चैनल पे इसी तरह के टेक्निकल अपडेट को सबसे पहले लाते रहते हैं। और फ्रेंड्स इस पेपर की कटिंग को अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके डायरेक्ट इस पेपर की कटिंग को वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।